दीन बंधु दया निधि प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के झुके तुम्हें नवाऊं सी। हाँ साथियों, ये प्रेम कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं कि किस तरह से मरा हुआ भैया बहन को भात पहनाने के लिए गया। देखते हैं साथियों, कि हानि कैसे हुई जाती है, हानि कैसे हुई जाती है, और ये सबके लिए बताएंगे। राजेश कुमार कासगंज वाले भजनों में समझ आए, हानि कैसे हुई जाती है ये सबके लिए बताएंगे। राजेश कुमार कासगंज वाले भजनों में समझाएंगे। क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है, कहीं बाप दुखी है बेटा से, कहीं दुखी बाप से बेटा है। क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है, कहीं बाप दुखी है बेटा से, कहीं दुखी बाप सो बेटा है। साथियों, भगवान सब सुख किसी को नहीं देता। हर दौल कुमार को जब जहर दे के मरवा दिया, अंत में हर दौल अपनी बहन कुंजावती के पास में पहुंचा, जो दतिया में ब्याही थी, और बहन को भैया मरा हुआ भैया स्वप्न में कहने लगा, बहन तुम सो रही हो, अरे तुम सो रही हो, लेकिन हमें पूछा, और बोला है रो करके हरदौल, तो कैसी आई गई नींद बैल तेरो भैया रो तो जगाई रे, बहन हमें हमारे भैया ने जहर दे के मरवा दिया है, तुम सो रही हो, कोई कैसी क्षमा सी नींद बहन तेरो भैया रो तो जगाई रे, मोए लग रही भारी प्यास बहन का पानी दिए पिवाई रे, भटक करके बहन को सपना देने लगी, और देख जहर मेरे भैया ने मोए बहन दो मरवाई रे, मेरो भाई
साथियों, जब हरदौल ने अपनी बहन को सपना दिया, बहन एकदम चौंक पड़ी, भैया भैया, लेकिन चारों तरफ देखने लगी, कोई नहीं था। बहन सोचने लगी, हमारा भैया पुजारी हमें गलत सपना नहीं दे सकता है, इसका मतलब है कुछ दाल में काला है। और बहन रोने लगी, रोने लगी, अरे दिल में लाए धीर रे दा हमारा भैया भक्त है, हमें गलत सपन नहीं दे सकता। अरे दिल में लाए धीर रे धरूंगी, और मैं आत्मघातरी करूंगी। खबर भैया की ले आऊंगी, मैया हो तई न डालो हम कुमारी, मैया हो तई न डालो हम कुमारी। दोस्तों, बहन कुंजावती रोने लगी, सोचने लगी, हमारा भैया भक्त है, अगर मर गया होगा तो। खतरे परे पे और को रो तू है तीज त्यौहार, सकती है भोलारी रात। अरे भैया रोवे थे वक्त पड़े पे तो, बहना रोती है तीज त्योहार। बहन कुंजावती रोने लगी, घर परिवार की सभी सहेलियां पास में आकर के कहने लगी, तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? तो कुंजावती कहने लगी, हमारे भैया ने हमें स्वप्न दिया है कि हमारे भैया को मरवा दिया गया है। तो सब कहने लगी, तो रो नहीं, रो नहीं, तुम ऐसा करो, अपने पीहर को चली जाओ और अपने भैया की खबर ले आओ। कुंजावती आज अपने पीहर के लिए तैयार होके चली। दोस्तों, अशगुन होने लगे।
जन धरो पे जनी पे पाओ पे जनी रथ की टूटी क्या वक्त था क्या समय था क्या मुसीबत थी उस समय उस बहन पे जन धरो पे जनी पे पाओ पे जनी रथ की टूटी और रथ के भीतर गई गूंजन धुनी की टूटी रथ जग रक तू जाई लली पियर में आई महलन के कंगूरा झुके का गयू पर मन राई कुंजापत के रोबन में छाती फटत राजेश कुमार अरे प्रेम भैया की हिलकी सी बंद गई बॉबी दिल में विचार और पहना घोसी आई थी कस्बा में तब कछु देखी नजर पसार और छोटे छोटे बालक खेले उनसे पहना के समझा दोस्तों बहन जब अपने पीहर में आई देखा वहां एक दृश्य देखा और वहां छोटे छोटे बालक खेले उम्र है जिनकी बारी छोटे छोटे बालक खेले उम्र है जिनकी बारी और बुआ बुआ कह के रे अरे बुआ बुआ कह के रे पास में आए अवतारी महाराज लली ने छाती से लय लगाए और उपो दिल के बोलन लागी सच को समझाए मेरे भैया को मर घट बताई दी जो बोले पालक रे मेरे भैया को मर घट बताई दी ओ बेटा छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे तो कुंजावती कहने लगी हमारे भैया को मरवा दिया गया है। बालक कहने लगे बुआ पहले घर चलो घर चलो उसके बाद साथियों
कुंजावती महलों की तरफ चली और अपने महलों में जब देखा अपनी भाभी से पूछने लगी, हमारा भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। मोए तीन दिवस गए पीते बाबा जया माय अन्न पेट भर खायो रे। भाभी हमारे भैया हरदौल के दर्शन करवा दो। मोए तीन दिवस गए बीते पेट भर अन्न ना हमने खाओ रे। मेरे भैया की लग रही आस भवजन कबासों दियो मिलाई रे। आंखों में आंसू भर के भाभी कहने लगी, बहन कुंजावती तुम रो नहीं, अरे देख चेहरा तेरे भैया ने तेरो पीरन दो मरवाई रे। अब एक गई नए पेशक बाले कर लीनी मन मानी रे। हम पैगरी कस खाए भैया भैया कह के रोवे भैया दिए मोए बोल सुना। भाभी कहने लगी तुम्हारे भैया को तुम्हारे बड़े भैया जुझार ने मरवा दिया है। तो बहन को ये मालूम पड़ा पहलो पैरों के तरह धरती खिसक गई हो, भैया ने हमारे भैया को मरवा दिया है। भाग करके बहन सभा में पहुंच गई, कहने लगी अरे जुझार तूने हमारे भैया को जहर दे के मरवा दिया, तेरी जीव में कीड़ा नहीं पड़े, तू मरा नहीं। और बोली बहन तूने जहर की कैसे कह दई रे, बता देने का मेरे पीरा। तूने चेहरा की कैसे कह दई रे, बता देने का मेरे पीरा। तेरी चाल में भाई नहीं जीव रे, तेरी चाल में भरी न जीव रे, परे नहीं तू समन कीरा। महाराज अब ही पिया रस जाऊंगी और जब तक जिंदा रहे न तेरे द्वार पे आऊंगी। मेरे लला बहन की लगी भरी आई और कर भैया की याद बहन फिर वापस गई आई। भैया सो कई दे जाई है तेरो ना सोई हो तारी है भाई। भैया सो हम बहन कुंजावती वहां से भाग खड़ी हुई।
और कहने लगी मैं तुझे श्राप देता हूँ। बहन कुंजावती वापस लौट गई। दोस्तों घर में जाके बहुत रोई, बहुत रोई। धीरे 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 समय बीत रहो भाई, और पुंजापति की लली बिहा को आई, पहला मन ही मन में सोचती है मेरो बात भरे को आई, बहना मन ही मन में सोच रही मेरो बात भरे को कुंजावती मन ही मन में सोचती है मेरो बात भरे को आई, सुर पड़े विचार जो गिरधारिया हो तो नहीं गए मिटतो पन सबूत गंबर क्या, और देखे मूड बे खोख में गुल गए तो बेहर बन गए नर से नार, सोई पावैया जो बेना पे फिरे ततिया में पड़ी है तुराई, धीरे धीरे कुंजावती की बिटिया शादी योग्य हो गई। तब तक कुंजावती अपने पीहर नहीं आई। दोस्तों कुंजावती आंगन में तो घूम रही है लेकिन कुंजावती वहां नहीं थी, कुंजावती की लाश घूम रही थी। सभी सहेलियां कहने लगी तुम्हारी लड़की की शादी है और तुम इतनी बेसुध होकर घूम रही हो, इसका मतलब क्या है? ऐसा करो तुम अपने पीहर चले जाओ और अपने भैया जुझार से कहना वो तुम्हारा भात लेकर के आएगा। और बोली हैं वो सहेलियां तेरे घर बिटिया को ब्याह, तेरे घर बेटी को ब्याह, और तू की तबात के ठो भैया जुझार सिंह तू बापे भात मंगाए ले री, तुम सुस्त काए को हो? सहेलियां जब पूछने लगी तुम्हारा एक भैया मर गया है कोई बात नहीं, तसल्ली रखो तुम्हारा बड़ा भैया जुझार मौजूद है, उस पे भात भरा लीजिए। तेरे घर बेटी को ब्याहू बहन तू की तबा तक गाय ले दी, तेरो बड़ो भैया जुझार सिंह तू बाप भात भरा ले दी, तू बात नहीं उतरे जावेगी,
अपने पीहर अपने पीहर है अपने पीहर को गुइया तू बादन उतवे जावेगी और इसी बहाने से तेरे हम पीहर को लख आऊंगी। सुस्त न रहो तुम्हारे साथ हम भी चलूंगी और तुम्हारे पीहर को देख करके आऊंगी। तुम्हारा बड़ा भैया जुझार है उससे भात मांग लो और वो तुम्हें भात अवश्य पहनाएगा। और चली है चंपावती के पास में कुंजावती बहन। दोस्तों और नाई को बुलाया और एक खत लिखा कुंजावती ने अपने भैया के लिए। खत लिखा बहन ने, अरे प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो, स्वीकार करो तुम भूप और छाके रे तपादारी। कुंजावती कहने लगी भैया जुझार ये विनती है मेरी आपसे, हमने जो कुछ भी आपसे कहा उस पर ध्यान न देने के बाद प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो रे स्वीकार करो स्वीकार करो तुम भूप और छाके तपा। और बोली और भानिजा तेरी को प्यार तो और भानिजा तेरी को प्यार तो हमने प्यार जो तुम बात की फिर न करो तैयारी। और गलती मेरी को माफ करो तुम माफ करो मैंने द्वार पे दई थी हजार लगारी। श्री भैया को लिख गई थे बाबज को लिखी राम जुहार एक खत लिखा है कुंजावती बहन ने सादर स्नेह नमस्कार भैया जुझार सिंह तुम्हारी भानेज का विवाह है आप भात लेकर के आ जाना और नाई को वो खत दे दिया है। नाई वहां से चल दिया और जब ओरछा नगर में पहुंचा जुझार सिंह को जब खत दिया तो जुझार पूछने लगा इसमें तो कोई कुंजा नाम की लड़की है इसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। हाँ जुझार कहने लगा जानता हूँ लेकिन मैं उसका भाई नहीं हूँ उसका भैया मर चुका है कह देना जाके उससे। हुआ ऐसा कहती जो बाल लड़की से जाए करी
उस लड़की से कह देना जा करके, कह दी जो बापे हाँ से जाई करके, तू ले ले भा तुमर घट आई के कही। बता आई पास रथ चढ़ के जुझार कहने लगा, वो कुंजा नाम की लड़की तो है लेकिन हमारी बहन नहीं है, वो तो बहन है हरदौल की जो वो मर चुका है। अब वो घमंडी बहुत है, वो लड़की उसे अहंकार बहुत है, उससे कह देना अपने भैया से जाके मरघट में बात मांग ले, लेकिन हम उसके भैया नहीं हैं। और एक काम और है हमारा, बोला है जुझार के मोई बादशाह अकबर से मिलबे और दहली है जाना, जिस दिन उस लड़की के घर में बारात आएगी उस दिन हमें दिल्ली जाना है। मोई बादशाह अकबर से मिलबे और दिल्ली है जाना, कहती जो बा लड़की से जाए नहीं हुई है मेरो आना। महाराज कह दियो बा लड़की से जाए, तेरो भैया है हरदौल भूत पहले में बा दोबारा कहो। महाराज कह दियो बा लड़की से जाए, तेरो भैया है हर दौल भूत पहले वे बात भराए। अब मरघट में मांग ले बात भूत जब भैया हुई गौ है, अब मरघट में मांग ले बात भूत जब भैया हुई गौ है, और भैया हुई गौ है रे भूत जब भैया हुई गौ है रे भूत जब भैया हुई गौ है। अब मरघट में मांग ले बात भूत जब भैया हुई गौ है। उसे उसका भैया मरघट में भूत बन के भात पहना देगा और वहीं चली जाए, वहीं भात भरा ले और अपने लड़की की शादी में भात पहन ले, हमारे पास से यहाँ से भाग जा। अरे चलो टर जा जहाँ से नाई, और पूरी भलियत जुझार ने कह दीनी, भैया भूखो प्यास हो नाई आज फिर वापस आया है, बॉबी भूखो प्यास हो नाई फिर भू पहन गया है। वापस लौट गया नाई,
फटकार दिया जुझार सिंह ने। इधर कुंजावती आस लगाए बैठी हमारे भैया ने कितना आदर किया होगा, क्या क्या कही होगी, क्या कहा होगा हमारे बारे में। तब तक नाई पहुंच गया, कुंजावती कहने लगी भैया हमारे भैया ने क्या कहा तुमसे, क्या कहा, कितने खातिरदारी की आपकी, कैसे रखा आपको। बोले चुप रहो तेरा भैया, उसने बोल दिया तेरा भैया हरदौल है और वो मर चुका है, अब वो भूत बन के तुझे भात पहनाएगा, उसी से जाकर भात पहन ले। साथियों कुंजावती रोने लगी, बाहरे भैया 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 ओ भैया तू कहाँ गयो भैया, भैया हरदाल, भैया हरदाल बोलते क्यों नहीं, हम मर जाऊंगी। ओ भैया लिख बोल सुनाए दे, ओ भैया लिख बोल सुनाए दे, अपनी बहना को धीरज बंधाए दे, मेरी कोई नई नाव खिवैया भैया, मैया को जाओ कन्हैया भैया मेरो, तू कहाँ गयो भैया, छाती में घूंसा मार के बहना के हरस कह रही है भाग, सोने के रुधन के आज बेला को तो घर में चुरियाए नरना, बहन रोने लगी भैया हरदौल अब तुम्हारे बगैर हमारा भात कोई नहीं पहना सकता, अब हम तुमसे ही भात मांगूंगी और अभी जाऊंगी, अगर तुमने हमें भात नहीं दिया तो हम तुम्हारे मरघट से जिंदा लौट के घर पे नहीं आऊंगी। बहन कुंजावती चली, रथ को सजवाया और मरघट के पास में पहुंच गई और अपनी चुनरिया की झोली बना के उस मरघट में पसार के बोली है बहन भैया, ओ प्यारे हरदौल तो तेरी बहना रही थी बुलाई रे, भैया हरदौल तुम नहीं बोलोगे, तुम अगर नहीं बोलोगे तो लौट के दतिया में मुंह नहीं दिखाऊंगी,
लई कटारी फिर पहना ले और वही अरा पे धरी जवाए तब आवाज आती अंबर से पागल हुई गई पहले हमारी और जर के ते आखे मेरी हुई गई कैसे बेटे वो जा पसा भारी के आम मर जाइए आते गुदिया लिए लटकाई और भजिया तमा तब बहना से और भैया ने कही सुनाए और मन फिक्र ना करिए दतिया में से काम बनाए और हुई विश्वास गौ बहना को लौट के चली दादा सुनियार और आगे के रथ तब मेहना चली गई और ससुराल में पहुंची आई